नमस्कार। एक शेरनी है जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में दहाड़ रही है, बिल्कुल। और उसकी दहाड़ के सामने अच्छों अच्छों की पतलूने गीली होनी शुरू हो चुकी हैं। नेपोटिज्म का मुद्दा सबसे पहले कंगना रनावत ने उठाया था। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में, ग्लैमर जगत में ड्रग्स का इस्तेमाल 99% फिल्म फर्टिनिटी के लोग करते हैं। ये बड़ा खुलासा और बड़ा धमाका भी कंगना रनावत ने ही किया है। और कंगना ने जो ट्वीट जारी किया है, करीब करीब पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस समय हैरत में भी है, परेशान भी है कि सीधे सीधे इस तरीके से कौन चुनौती दे सकता है, कौन वार कर सकता है। कंगना ने लिखा है एक ट्वीट में, आई रिक्वेस्ट रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, आयान मुखर्जी, विक्की कौशिक टू गिव देयर ब्लड सैंपल्स फॉर ड्रग टेस्ट। देयर आर र्यूमर्स दैट दे आर कोकीन एडिक्ट्स। आई वॉन्ट देम टू बस्ट दीज र्यूमर्स। दीज यंग मैन कैन इंस्पायर मिलियंस इफ दे प्रेजेंट क्लीन सैंपल्स एट द रेट PMO इंडिया। ये जो ट्वीट है, ये प्रधानमंत्री को उन्होंने टैग करते हुए किया है। अब इसके बाद LP पंत हैं, उन्होंने कहा है कि कंगना से सहमत हूँ। जैसे डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर वाड़ा खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिता के लिए प्रतिबंधित करता है, उसी तरह फिल्म सेंसर बोर्ड को अब नई नीति बनानी होगी। अभिनेता अभिनेत्रियों के ड्रग्स जांच के बाद ही फिल्म रिलीज़ का सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए। कंगना ने जो छेड़ा है इन लोगों को, ये मसला बहुत दूर तक जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा। अंजलि कृष्णा हैं, उन्होंने लिखा है, इन सब की जांच होनी चाहिए, सबका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, जैसे आजकल कोरोना का टेस्ट हो रहा है। सफाई अभियान बहुत ज़रूरी है बॉलीवुड की, वरना पूरे देश को बॉलीवुड ड्रग माफिया खोखला कर देगा। कंगना रनावत एक ऐसा खौफ बन करके उभरी है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जिससे इस समय पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा हुआ है। खौफ हर एक के दिमाग पर छाया हुआ है। कंगना रनावत ने कहा है कि मुझे चुनौती देने की कोशिश ना करें, मैं सबके बारे में जानती हूँ, सबको नेकड़ कर दूंगी, सबकी असलियत खोल करके रख दूंगी। और कंगना ने क्या कहा था, कंगना ने ये कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 99% 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। और इसके बाद महेश जेठमलानी, जो जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने फिल्मी सितारों और फिल्म फर्टिनिटी के लोगों की चुप्पी पर सवाल खड़ा करते हुए ये कहा था कि सब चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, इसका क्या अर्थ निकाला जाए। इसके बाद केवल रवीना टंडन और राम गोपाल वर्मा ने अपनी बात रखी। महेश जेठमलानी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने
एक टीवी चैनल पर गंभीर आरोप लगाया है कि बॉलीवुड के 99% लोग नारकोटिक्स ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री के किसी एक शख्स ने भी उसका विरोध नहीं किया। इस बहरी चुप्पी से लोगों के पास क्या मैसेज जाएगा? और इसके बाद रवीना टंडन ने महेश जेठमलानी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, सब जानते हैं 99% जज, नेता, बाबू, अधिकारी और पुलिस भ्रष्ट होते हैं। यह बयान सबके लिए जेनरिक डिस्क्रिप्शन नहीं है। लोग समझदार हैं, उनमें अच्छे या बुरे का अंतर होता है। कुछ खराब सेब पूरी टोकरी को खराब नहीं करते हैं। इसी तरह हमारी इंडस्ट्री में भी अच्छे और बुरे लोग हैं। रामगोपाल वर्मा ने महेश के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, हालांकि मैं भी इस बिरादरी से संबंध रखता हूं, मैं उतना ही हैरान हूं और उनकी चुप्पी भी बलात्कारी, हत्यारे, माफिया आदि कहे जाने पर भी है। और इसके बावजूद अगर फिल्म इंडस्ट्री में चुप्पी है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये क्यों है। क्या पानी झील में मर रहा है? क्या वाकई पूरी फिल्म इंडस्ट्री कुछ लोगों को छोड़ कर के ड्रग्स के नशे में झूमती है? कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ रात को नशे की हालत में बहुत भद्दे ट्वीट करके उनको गालियां बकते हैं। और ऐसे लोगों को कंगना रनावत जब से ट्विटर पर अपने नाम से अधिकृत अकाउंट के जरिए सक्रिय हुई है, खुल करके आरोप लगा रही है, उनको घेरे में ले रही है। एक अनुभव सिन्हा हैं, ये भी उसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़, उनकी सरकार के ख़िलाफ़ बयान देते रहते हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया, उन्होंने अनुभव सिन्हा ने कहा कि वुड गिव बोथ माय आर्म्स एंड लेग्स टू वर्क विद शाहरुख खान अगेन। इस पर कंगना रनावत ने कहा कि वो शाहरुख खान के साथ काम नहीं करना चाहती हैं, और साथ में एक इनके बयान पर ट्वीट भी किया और ये कहा कि औकात औकात की बात है, देश के प्रतिनिधि और गौरव, भारत की भावनाओं के प्रतीक हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को रोज़ अश्लील गालियां देना, देश की एकता और अखंडता पर लगातार वार करना तो आसान है, मगर जब दो पैसों की बात आई तो अपने हाथ पैर भी बेच दिए, वारी दुनिया, वाह। और ये अकेले उनके ट्वीट नहीं हैं, उन्होंने करण जौहर पर, आदित्य चोपड़ा पर, महेश भट्ट पर, राजीव मसंद पर और एंटायर आर्मी ऑफ, उन्होंने लिखा है कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुतों को मार दिया है एक तरीके से, उनको काम ना दे करके, और इन लोगों ने फिल्मी सितारों के बच्चों को, फिल्म फेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों के बच्चों को प्रमोट किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। सुशांत की मौत के बाद, अब कंगना के इस हमलावर रुख के बाद लोगों ने वीडियो जारी करके अपनी बातें रखनी शुरू की हैं, और ख़ास तौर से जिस तरीके से नेपोटिज़्म पर कंगना ने वार किए हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि करण जौहर जो हैं वो मूवी माफिया हैं,
और मेन कल्प्रिट लिखा है और प्रधानमंत्री को टैग करते हुए लिखा है, उन्होंने कहा है कि अभी तक करण जौहर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और जब सभी चीज़ें ठंडी होने लगेंगी तो करण जौहर के लकड़भग्गों की फौज मेरे पीछे आएगी। इतने सारे जीवन और कैरियर को बर्बाद करने के बाद भी मूवी माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या हमारे लिए कोई आशा है? और करण जौहर के अलावा आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट, राजीव मसंद, इनको खून के प्यासे गिद्धों की पूरी सेना और माफिया मीडिया बताते हुए उन्होंने कहा है कि इन सब ने मिल करके, इनकी मानसिकता ने मिल करके सुशांत को मार डाला, परिवार के इकलौते बेटे को मार डाला जो कि बॉलीवुड में बदमाशों, शोषण और उत्पीड़न का शिकार था। और यहाँ करण जौहर अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, शर्म की बात है। ये सारी जो मुहिम कंगना रनौत पिछले कुछ दिनों से चला रही है, जब से वो एक्टिव अधिकृत हैंडल के साथ आई है ट्विटर पर, तब से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों के पेट के पानी ढीले हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि 33 वर्षीय कंगना रनौत हिमाचल से आती हैं, 23 मार्च 1987 को जन्मी थी, यानी 33 साल की हैं। इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है, पहली ही मूवी के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 6 बार फोर्ब्स मैगज़ीन की 100 सेलिब्रिटी की सूची में इनको स्थान मिल चुका है। इसके अलावा पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं। 2006 से ये फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। गैंगस्टर फिल्म से इनकी शुरुआत हुई थी, इसके बाद वो लम्हे, लाइफ इन ए मेट्रो, फैशन, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज, अपॉन ए टाइम इन मुंबई। इसके अलावा 2011 में जो इनकी ब्लॉकबस्टर रिलीज़ हुई तनु वेड्स मनु आर माधवन की, फिर क्रिश 3, फिर 2014 में क्वीन, फिर 2015 में तनु वेड्स मनु का सीक्वल और 2019 में मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। और ये पहली बार नहीं है जब सुशांत की मौत के बाद कंगना रनौत इस तरीके से मूवी माफिया पर, ड्रग माफिया पर भड़की हैं। इससे पहले चाहे आदित्य पंचोली के साथ उनके रिश्ते, उनका शोषण रहा हो, चाहे ऋतिक रोशन का मामला रहा हो और ऋतिक रोशन का बचाव करते हुए चाहे जावेद अख्तर और दूसरे लोग रहे हों, उन सब पर भी कंगना रनौत बरसती रही हैं। और वो इस पर भी जवाब दे चुकी हैं जब लोगों ने कहा कि कंगना रनौत आखिरकार इस तरीके से अधिकृत अपने अकाउंट के साथ क्यों लौटी है ट्विटर पर, तो उसने जवाब दिया है कि राष्ट्रवाद। खास तौर से जो लोग राष्ट्रवादियों को निशाना बनाते हैं और जो लोग ईमानदारी से काम करने वालों को अलग थलग करने की कोशिश करते हैं, जो शोषण करते हैं, जो ड्रग से और दूसरे जरियों से वहाँ पर गिरोहबंदी करते हैं और जो नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं, कंगना रनौत लगातार उन पर बरस रही हैं। और आज किसी ने कहा है कि जिस तरह उग्र रूप से कंगना रनौत इस समय छाई हुई है और बरस रही है लोगों पर, उससे अब उनकी जान को भी खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि ये कहना कि 99% लोग
फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग लेते हैं, ड्रग का सेवन करते हैं, और कुछ लोगों के नाम लेकर के ये कहना कि वो इन र्यूमर्स का जवाब दें अपना ब्लड सैंपल दे करके कि ये लोग कोकीन का सेवन करते हैं, उसके आदि हैं। जाहिर है कंगना रनावत एक बहुत बड़े रैकेट का मुकाबला कर रही हैं, उन पर प्रहार कर रही हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और ये कहा है कि वो कंगना रनावत की जान की सुरक्षा के लिए व्यवस्था ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।